वर्ड क्या चीज है? अल्फाबेट जो हमने पढ़े थे कहाँ से लेकर कहाँ तक, ए से लेकर जेड तक। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मैप्स अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। हरूफों का ऐसा मजमूआ, हरूफों का ऐसा मजमूआ जो मिलकर कोई माना नहीं या मतलब पैदा करे, लफ्ज कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मैप्स अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। हरूफों का ऐसा मजमूआ जो मिलकर कोई माना दे या कोई मतलब पैदा करे, लफ्ज कहलाता है। जो कोई माना दे या मतलब पैदा करे फिर वो लफ्ज है। अब हरूफ तो बहुत सारे, कुल कितने हरूफ है अंग्रेजी के? 26 ए से लेकर जेड तक। कोई भी हरूफ हम लिखते हैं साल के साथ बाद, बी सी ए, ये कोई लफ्ज है नहीं, इसका कोई माना है नहीं, कोई मतलब नहीं है, ये एक वर्ड नहीं है, कोई लफ्ज नहीं है। हरूफों का ऐसा मजमूआ जो मिलकर कोई माना दे, यानी कि इसका कोई ना कोई माना या मतलब पैदा हो, तो फिर वो लफ्ज कहलाता है। अब ये क्या है? बॉय, बी ओ वाई। कितने हरूफों का मजमूआ है, कितने हरूफ है इसमें? तीन हरूफों ने मिलकर एक लफ्ज बनाया। बॉय का माना लड़का, इसका माना है, समझ में आता है, पता चल जाता है इसका माना है, तो ये एक लफ्ज है, वर्ड है। पी ई एन, इसका माना है। बी ओ ए आर डी, बोर्ड, तख्ता, ठीक है, इसका माना है, कोई मतलब है। लफ्ज उस चीज को कहेंगे हरूफों का ऐसा मजमूआ जो मिलकर कोई माना दे या मतलब पैदा करे, फिर लफ्ज कहलाता है। किस तरह आप कोई भी हरूफ लिख लो, चाहे तीन लिखो चाहे पांच लिखो, ए सी डी, ये लफ्ज नहीं है। एफ ई एच, ये लफ्ज नहीं है, क्योंकि इसका कोई माना या मीनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसका कोई माना या मतलब ना हो वो लफ्ज नहीं कहलाएगा, ठीक है। A group of letters that map some meaning is called word. हरूफों का ऐसा मजमूआ जो मिलकर कोई माना दे कोई मतलब पैदा करे वो लफ्ज कहलाता है। एग्जाम्पल बॉय, बैट, बोर्ड, क्लास, जब, इतनी वगैरह वगैरह बहुत सारे अल्फाज आप बना सकते हो। उसके बाद जब हरूफ मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, लफ्ज बनाते हैं, लफ्जों से बनकर क्या बनता है, जुमला, जुमला या फिक्रा, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटेंस। और सेंटेंस क्या चीज है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि मुकम्मल माना दे, जो मुकम्मल माना दे जुमला कहलाता है, ठीक है। अल्फाजों का ऐसा मजमूआ जो मुकम्मल माना दे जुमला या फिक्रा कहलाता है। जैसा कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक तालिबे इल्म हूँ, ठीक है, मुकम्मल माना दे रहा है। ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, वो दूध पी रहा है, मुकम्मल माना दे रहा है। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं, अल्फाजों का मजमूआ, बहुत सारे अल्फाज ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, क्या है टेबल के नीचे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो कहता ऑन द ट्री, दरख्त के ऊपर, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये जुमला नहीं है, इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस का डेफिनेशन यही क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो मुकम्मल माना दे, जिसका तर्जमा, उसका मफहूम मुकम्मल तौर पर हमारे समझ में आ जाए, वो सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि जो मुकम्मल माना दे, कंप्लीट यानी कि मुकम्मल तौर पर, वो जुमला कहलाता है। अल्फाजों का ऐसा मजमूआ जो मुकम्मल माने के जुमला या फिक्रा कहलाता है। एग्जाम्पल आई एम ए स्टूडेंट, इसका क्लियरली माना है, ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, वो दूध पी रहा है, ठीक है, तो वो जुमला कहलाएगा। अगर अल्फाजों का ऐसा मजमूआ जो मुकम्मल माना ना दे, तो फिर वो क्या कहलाएगा, उसको कहते हैं प्रेस, प्रेस, पी एच आर ए सी, प्रेस, जुज़ो जुमला या नाकिस जुमला इसको कहते हैं, जुज़ो जुमला या नाकिस जुमला, वो क्या है, जुमला या फिक्रा, ये क्या है, जुज़ो जुमला या नाकिस जुमला इसको कहते हैं। उसका डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट गिव फुल सेंस इज कॉल्ड प्रेस। जो मुकम्मल माना ना दे, ग्रुप ऑफ वर्ड, यहाँ पर ग्रुप है, अंडर द ट्री कितने वर्ड आ गए, इसमें तीन वर्ड आ गए, ऑन द टेबल यहाँ पर
तीन वर्ड तो है, एक ग्रुप तो बन गए, लेकिन ये जुमला नहीं कहलाएगा, ये नाकिस जुमला है, क्योंकि इसका माना या उसका मफूम मुकम्मल तौर पर हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको कहते हैं नाकिस जुमला। फ्रेज यानी कि जुज़ो जुमला या नाकिस जुमला, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट गिव फुल सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। जो मुकम्मल तौर पर माना ना दे वो फ्रेज कहलाएगा, मुकम्मल तौर पर माना दे जिसका मफहूम माना तर्जुमा हमारे समझ में आ जाए उसको कहते हैं सेंटेंस। अब ये फ्रेज है अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे, क्या है दरख्त के नीचे, समझ में नहीं आ रहा है, मुकम्मल तौर पर हमारे समझ में नहीं आ रहा है। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, क्या चीज है टेबल के ऊपर, समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि जो हमारे जहन में हमारे समझ में ना आ जाए उसको कहते हैं फ्रेज। जो मुकम्मलली क्लियरली जिसका माना मफहूम हमारे समझ में आ जाए, ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, वो दूध पी रहा है, जिसका मुकम्मल माना हो उसको कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था हुरूफ, हुरूफ मिलकर क्या बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं, हुरूफों का ऐसा मजमा जो मिलकर कोई माना या मतलब दे, यानी कि उसका कोई माना हो फिर लफ्ज कहलाएगा, जिसका कोई माना ना हो, कोई मतलब ना हो, वो वर्ड नहीं है, लफ्ज नहीं है। फिर यही लफ्ज रूप मिलकर लफ्ज बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, सेंटेंस फिर आपस में मिलकर एक स्टोरी बनता है, एक ऐसे मजमून बनता है, ठीक है, एक बुक बनता है। तो सेंटेंस की मदद से सेंटेंस, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद फिर आप कोई भी किताब लिख सकते हो, कोई भी अखबार लिख सकते हो, सब कुछ इसी की वजह से। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, आज यहाँ तक काफ़ी है, खुश आज की।